हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, मींस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वी ऑलरेडी डिस्कस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, मीन्स वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल टू द सर्किट, देन वी सी इट डिक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स अगर हम यहाँ पे जो हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, अगर इसमें इस पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज करते हैं, देन जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, मींस यहाँ से फिर हमें एक इक्वेशन मिलेगी। मींस क्या हो रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, नेक्स्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, इन दोनों में आपस में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो मींस क्या होगा, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आना स्टॉप हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे इसकी एनर्जी फाइंड आउट करने कि वो मैक्सिमम एनर्जी क्या है, कि यहाँ से अपोजिट एनर्जी लगाइए कि वो हमें अब मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट करनी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आना बंद हो गया, मीन्स स्टॉप हो गया। दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, दिस एनर्जी इज इक्वल टू, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टॉप दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। द मिनिमम पोटेंशियल एट विच द इलेक्ट्रॉन स्टॉप टू मूविंग इन दिस वे, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल। That work done is equal to maximum kinetic energy of these electrons. This is the final equation for stopping potential and maximum kinetic energy. Stopping potential वो potential होता है जहां पे photoelectric current become zero. Okay? We already discussed in class. Now we see by experiment. If we change the intensity of incident radiation, then no effect on stopping potential. This graph is so that if we increase the intensity, I1 is less than I2 less than I3. Means if we increase the intensity of incident radiation, no change in stopping potential. Means intensity of incident radiation is independent on stopping potential and depends only on photoelectric current. Means if we increase the incident radiation, then photoelectric current is also increased and stopping potential does not increase. One more question arises, at which factor stopping potential depend? See, from this equation we know kinetic energy equal EV naught, means stopping potential depends on kinetic energy. ठीक है, next thing हमें देखना है कि अगर stopping potential intensity पे depend नहीं कर रहा, तो किस factor पे depend कर रहा है। See, from this equation, if intensity independent on potential, this so that intensity is also independent on kinetic energy. Yes, means अगर हम kinetic energy को change कर देते हैं, तो वहां पे stopping potential change हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, kinetic energy को change करना है, कि जो electrons की जो kinetic energy है वो कैसे हम change कर सकते हैं। तो third effect हम discuss करेंगे, effect of frequency. फ्रिक्वेंसी अगर हम चेंज करते हैं तो एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी में चेंज इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज होती है तो पोटेंशियल भी क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी।
फर्स्टली वी सी हाउ वी चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. यू नो द विबग्योर पैटर्न. विबग्योर पैटर्न एंड वी ऑलरेडी नो आर इन्स रेड. वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज हाई और मोर मोर वेवलेंथ एज कंपेयर टू वॉयलेट. वी ऑलरेडी नो द रिलेशन वेवलेंथ इक्वल सी बाई न्यू. न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी. फ्रॉम दिस रिलेशन वी सी दैट वेवलेंथ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. मीन्स इफ वेवलेंथ इज लार्जर देन फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलर. सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी सी दैट वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज हाई देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर इज लो. मीन्स लो फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी फॉर वॉयलेट कलर इज हाई. हाई फ्रीक्वेंसी. हाई फ्रीक्वेंसी. इफ यू चेंज द कलर ऑफ लाइट. इफ वी चेंज द कलर ऑफ लाइट दैट मीन्स वी चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी. मीन्स अगर हम लाइट के कलर को चेंज कर देते हैं तो वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग क्या देखा गया कि अगर यहाँ पे जो लाइट का सोर्स है, अगर लाइट के सोर्स में हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, मीन्स अगर हम लाइट के जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं, तो जो इसके अकॉर्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसमें चेंज आता है. इसका जो ग्राफ आया कुछ इस वे से आया. सी फ्रॉम दिस ग्राफ कीपिंग इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. सी हेयर न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री. न्यू थ्री इज द फ्रीक्वेंसी मोर देन न्यू टू इज मोर देन न्यू वन. मीन्स वी आर इंक्रीजिंग ओनली फ्रीक्वेंसी कीपिंग इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट. वी सी दैट सैचुरेशन करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सी हेयर सैचुरेशन करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल. सी हेयर द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी विद फ्रीक्वेंसी. वी आर चेंजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो चेंजिंग. फॉर वी वन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी जीरो वन. फॉर वी टू फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी जीरो टू. एंड फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू टू सॉरी न्यू थ्री स्टॉपिंग पोटेंशियल इज न्यू जीरो थ्री. मीन्स वी आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन देन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीज. फ्रॉम दिस ग्राफ वी से दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी. दैट फॉर हायर फ्रीक्वेंसी फॉर हायर फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर. दैट इज इट मीन्स क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो मोर. बिकॉज वी नो दिस रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल ई वी नॉट.
अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फाइनली वी से दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है एंड जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये हमने बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूफ निकाल चुके हैं हम ग्राफ्स के थ्रू। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ग्राफ शोज दैट इफ वी इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हाउ द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, वी नो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो मीन्स जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। बट दिस लाइन शोज दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने क्लास में बताया था कि क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी मेटल सरफेस है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि न्यू नोट मीन्स इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होती है, जीरो होती है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है अगर ये ग्रेटर हो जाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली वेरी होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बिलो ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी नोट वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। देखो यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है यहाँ तक। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो गई स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। बिलो दिस फ्रीक्वेंसी देर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो वहाँ से जो इट मीन्स जो मेटल सर्फेस है वहाँ से इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट नहीं होते हैं। अगर हमें डेफिनेशन देनी हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तो क्या हो जाएगा, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच देर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस है वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर एनर्जी थोड़ी सी भी इससे ज़्यादा हो गई, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी भी अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, देन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वहाँ से इजेक्ट हो जाता है, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है तो दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट डिनोटेड बाई न्यू नोट। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आए जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्या कह रहा है, फॉर ए गिवन मेटल द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यस मीन्स कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ए गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस कोई भी मेटल है हमारे पास, कोई मेटल सरफेस है, अगर अब फ्रीक्वेंसी हमारी लेस देन हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, देन वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तभी इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो सकते हैं एंड दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई न्यू नोट। अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, देन इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। तो देखो थर्ड क्या कह रहा है, अबो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। यस कि जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है,
फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी से क्या रहती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट से बताया था कि जो इंटेंसिटी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, तो मींस जो काइनेटिक एनर्जी है उससे क्या हो रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो पा रहा था काइनेटिक एनर्जी से। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो किससे चेंज हो पा रही थी, फ्रीक्वेंसी से चेंज हो पा रही थी। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, दिस फिनोमिना इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जो ये फिनोमेना होता है कि जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी टाइम में निकलता है, ये मतलब सडन तभी की तभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। तो इनके बीच में जो एमिशन का जो टाइम है वो अराउंड 10^-2 -9 सेकेंड है, बहुत कम है। पर जल्दी कोई अगर लाइट फॉल होती है तो तभी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये जो लॉज है ये इंपॉर्टेंट लॉज है, एग्जाम पर्पज से काफ़ी बार 3 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो आपको ये लॉज लर्न होने चाहिए। ठीक है, ओके, हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।